के उठा हूँ, इट्स टाइम फॉर चाय एंड पैकिंग रात को कंप्लीट हो गई। भाई अभी क्या मौसम हो रहा है, टुडे इज द 1st of February और दिल्ली में तो क्या ही मौसम हो रखा है। मैं बादल गरजने की आवाज़ों से उठा हूँ और इतने तेज गरज रहे थे, और पता नहीं क्यों गली के कुत्ते लड़े जा रहे हैं भाई, इतनी पागलों की तरह लड़ते हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको। बहुत आलस आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, क्योंकि इतना ठंडा सा मौसम हो गया, 3 दिन से अभी गर्मी थी एकदम से ठंडा हो गया, रजाई से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, बट किसी तरह निकला हूँ मैं एंड पैकिंग वैकिंग डन है थैंकफुली। वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्रिप के लिए, बट बहुत आलस आ रहा है गाइस। जस्ट टू गिव यू गाइस कॉन्टेक्स्ट, ये बाहर का मौसम है देखो। अरे यार ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, गली तो काफ़ी सुंदर लग रही है, गली सुंदर लग रही है, बट ये देखो ऊपर मौसम क्या हो रखा है। बट जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर मौसम अच्छा है एंड दैट्स द फन पार्ट। चले प्लेन उड़ाने, रेडी फॉर गोवा ब्रो? रेडी ब्रो। पीछे बार का क्या लेगा? सब ले लेंगे भाई, मेरे पीछे पड़ गया यार, सुपरस्टार है ना ब्लॉग का। वरुण बताओ क्या हुआ है अभी? भाई अभी वरुण ने हम सबकी कान मरवा दी। बता भाई क्या हुआ? मैं अपना बोर्डिंग पास मुझे नहीं मिला, एक ही मिला सिर्फ दिल्ली टू चेन्नई, चेन्नई टू गोवा नहीं मिला। मैं रहने वाला था, मैं गोवा नहीं जाने वाला था। किसी तरह बोर्डिंग पास मिला और भाग के सिक्योरिटी चेक इन किया, वरना आज गोवा रह जाता भाई। भागते भागते हमें असिस्टेंट चेक इन मिला, मजा आ गया। मैं थैंक यू करता हूँ, आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल वृंदा एंड सारांश। थैंक यू सो मच, वेलकम टू गोवा बीचेस। सो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, दिस इज माई मासीज Airbnb एंड वी हैव ओपनड अप आवर बियर्स। तो हम लोगों ने कुछ ऐसी बियर्स उठाई हैं जो हमने दिल्ली में टेस्ट नहीं करी है पहले। वन ऑफ देम इज दिस क्यूबॉर्ग आइस ड्राफ्ट, बहुत सही है, दिस फील्स वेरी रिफ्रेशिंग, इट इज फिल्टर्ड एट -1 degree, दिस इज सपोज टू बी अ क्रिस्प लागर और समथिंग। और भाई ये दिल्ली के वेदर से आकर एसी में बैठने को मिल रहे हैं, दैट्स समथिंग एल्स। और भाई वीट बियर कैसी थी? बट दिस इज अ वेरी गुड बियर, इट इज वेरी टेस्टी। तो अपने लॉन्डे के लिए हमने ये लिया प्लास्टिक चेयर्स, दिस इज अ डबल IPA, आई हैव नेवर हैड अ डबल IPA बिफोर, मैंने एक रेगुलर IPA पिया, दैट इज द बीरा पेल एल, बट लेट्स सी ये कैसी है। वाह क्या है ये, क्या भाई क्या बियर है इधर भाई, हनी ड्यू वाला फ्लेवर है, टेक दिस को दिस को, ये सबका फ्लेवर नहीं होगा। अब We're going to eat something. Restaurant है आगे. देखते हैं if that's open. उसके बाद we'll go to the beach and then I'll show you रात को कैसा दिखता है। और वाह जगह के बारे में क्या special लग रहा है? ये मतलब फलाफल हम बस हैं। School उसने? हाँ। तो अगली beer हम लोग ये अपने साथ लेकर आए हैं. This is called Dikra. This is a raspberry beer. भाई भी चलो टेस्ट करते हैं रास्पबेरी बियर कैसी है। भाई ये बहुत ही डिफरेंट है भाई, क्रैनबेरी जूस है यार, रास्पबेरी है, बियर तो आई नहीं है। और कैसी है कैंपा भाई? कैंपा कोला ठीक है यार, मतलब क्रैनबेरी विदाउट द शुगर। आ रहा हूं। ओह भाई हमारे घर से तो बीच दिखता, मजा आ गया। डे टू हम लोग बीच पे आए थे जो तुमने देखा ही होगा, बट एक और चीज है बेचारे वरुण के साथ, हुसैन जी इसके सनग्लासेस ले गए। आई एम हैप्पी, नो वरी, आई एम हैप्पी। आजा आजा व्लॉग में आजा भाई, ये ट्रिप वरुण का ही है सारा, हम बस सिस्टर कंसर्न है। चले भाई बाली बाली। एक रहे नहीं क्या? आ जाएगा भाई, तू फिर टेंशन ले रहा है, चीजें पर्टिकुलर होनी चाहिए, सबका साथ आना चाहिए।
Cheers, bro. Cheers. This is the thing, you know, once you start something new, you will experience so much. I only have to do it. Depend nahi kar sakte kisi pe. चीज एनचिलाडास फॉर माई सेल्फ वेज काजू करी ये पता नहीं क्या खा रहा है सम पास्ता फॉर द टेबल मासी इज़ गॉट सम ओट्स एंड आई जस्ट डिवोर्ड दिस ब्रेड वी आर हियर एट आवर एयरबीएनबी एंड इट्स टाइम फॉर अ हाउस टूर मैं एक बार पहले ही अंदर घुस चुका हूँ ये बस ड्रामे के लिए हो रहा है पूरा भाई ये तो दरवाजा फोड़ दूंगा ये तो हमारी किचन वाली बालकनी होगी जो किचन से जाती है बाहर को इस सोसाइटी में हमारा बीएनबी है पूल इससे नहीं दिख रहा अभी पीछे साइड पे है तो वो भी दिखाऊंगा बाद में काफी लश ग्रीन है अंदर जाते हैं बिकॉज अंदर अच्छा खासा ठंडा है बाहर बहुत गर्मी है अभी भाई 6969 भाई और वरुण हाउस टूर दे रहा हूँ मैं तेरा वरुण ये हाउस के साथ फ्री आया एक फैंसी सी लड़की आई है जो हमें दिखा रही है इन सोफो पे कैसे बैठना है चिल हेयर काफी फैंसी काउंटर है तेरा हमारा फ्रिज जिसमें इन्होंने थोड़ा ओए मजा आ गया वरुण रेड लेबल चाय बाकी रूम्स दिखाता हूँ और टीवी भी पे मूवी देखेंगे हम HDMI लगा के तो ये रूम टूर क्लोजेट टॉयलेट जो मैंने अभी तक एक्चुअली देखा नहीं है देखते हैं। ओ भाई क्या फैंसी टॉयलेट है क्या मजा आएंगे यहाँ पर शावर शीशा फुल गोवा वाइब में होंगे बाकी ये कमरा है यहाँ बाहर एक और सिटिंग एरिया है बड़ा मस्त सा पंखा भी लगा हुआ है रात को बैठने के लिए एंड प्लेस टू सिट एंड कॉन्टेम्पलेट आई रियली लव स्पेसेस लाइक दिस सुबह सुबह उठ के खिड़कियाँ खोल दो एंड कॉफी पीने का नेक्स्ट लेवल मजा है इस पे और बेड साइड टेबल ये रूम सोने के लिए है बट हाँ रात को बैठना हो तो ऑल्सो ग्रेट ओवरऑल काफी सॉलिड देखने में भाई तुम लोगों ने अपनी बालकनी देखी देख तो सही किधर यहाँ पे भी एक वैसा सेटिंग है वही मोनोपोली खेलेंगे बुक्स भी रखी है आई एम प्रीटी श्योर हम में से कोई पढ़ने वाला तो नहीं है वो पूल में खेलने के लिए वाटर पोलो तो इसको लेके हम पूल भी जाएंगे तो ये बालकनी एरिया है एक बड़ी क्यूट सी एस्ट्रे है पता नहीं इसका रोल है नहीं है हमारे लिए रिगार्डलेस इट्स स्टिल देयर बाहर को जाते हैं एक बार देखते हैं यहाँ से व्यू कैसा है यहाँ पे पूरा ग्रीनरी है और साइड में एक और विला है किसी और का बहुत सुंदर सोसाइटी यार ये पेड़ ही पेड़ है ऐसा लग रहा है गोवा आ गया नेवर माइंड I guess that's it for the home tour. So, हम यहाँ पे पहुँच गए बहुत ही कड़ी मेहनत और तपस्या के बाद बट ऑल दैट असाइड हम लोग अब स्कूटीज रेंट करने वाले We'll explore the whole society. यहाँ पे एक जिम है तो we'll get a quick workout and maybe go to the pool chill a bit. और फिर हम निकलेंगे बाहर गेड़िया मारने खाएंगे पियेंगे नाचेंगे और क्या प्योर वेज रेस्टोरेंट में जा रहे हैं गार्लिक चीज नॉन इनका पनीर ट्राई आउट किया जाए गोवा में दाल मखनी शाही पनीर फिरोजाबाद अभी हम लोग कॉन्सर्ट देख रहे हैं लाइव ये वरुण के लिए हम लोग लॉन्ग आइलैंड लेके आए हैं हम क्या लेके आए हैं वरुण ने खुद बोला था तो LIT पोर कर दिया इसके लिए देखो वरुण को क्या मजे आते हैं इसको पी के ओ बहुत बढ़िया भाई करारी है मस्त एकदम भाई क्या हॉट लग रहा हूँ यार मैं आराम से आधा एक घंटा चला जस्टिन की एक बहुत वियर्ड रिक्वेस्ट आई है उसने कहा है कि जिन एंड टॉनिक लो और मोगू मोगू के साथ मिला के दे दो तेरे को इस कप में दूंगा मैं मेजरिंग कप में बाकी तो नहीं है तो मेरे को अभी तक पता नहीं है मैं ड्रिंक कैसे बनाने वाला हूँ मार देते हैं भाई ड्रिंक की थोड़ी सी अच्छे से जो भी देख रहा है आई डिडंट आस्क फॉर इट प्लीज मेरे को माफ कर देना इसमें पता नहीं क्या अजीब अजीब से फ्रूट्स गिर रहे हैं तो सांगरिया बन गई टेस्ट करते मार दिया वाह नेक्स्ट ड्रिंक इज सारजे की तो सारजे इज आल्सो हैविंग एन LIT अभी तो इसके बाद ओल्ड मॉन्क पिएगा मन तो वैसे उसका मोहल्ला है अभी पूछ स्मेल ही बहुत ज्यादा है मेरी ड्रिंक की बारी ये रही मेरी ड्रिंक इसके लिए मोगू मोगू को एकदम ही फ्रेम से बात कर देते हैं ये गोवा ब्रूइंग कंपनी की ट्रैपिस्ट स्टाइल एल बहुत ही ट्रिपी सा इसका वो है भाई इसका कलर देख ब्लैक बियर है लेट्स टेस्ट दिस बहुत ही वुडी फ्लेवर है इसका सुपर स्मोकी आल्सो बिटर भाई इसका टंग पे एक बियर्ड सा रोल है आई डोंट थिंक आई कैन अप्रिशिएट दिस मच तो जल्दी खत्म करेंगे बीर वाइट पे चलेंगे बियर्ड ड्रिल लग रही है बियर्ड सा टंग रोल है भाई इसका नहीं हो भाई ठीक है
ठीक है भाई। तो भाई मेरे को पीनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरे को चीजें ट्राई करने की चुल रहती है। साड़ा ज्यादा कैश कैश खेलता है ना, पकड़ा गया। अगला दिन आ चुका है, हम लोग बोट के स्विमिंग गए थे। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स स्विमिंग का यहाँ पर, बट वही वहाँ पे शोर वोर अलाउड नहीं था और बहुत लोग सनबेथ कर रहे थे, तो कुडंट रिकॉर्ड। आई ट्राई टू बट नहीं हो पाया, तो डिडंट पुट दैट इनटू द व्लॉग। बट अभी हम सारे बॉयज स्कूटियां निकाल रहे हैं वापस, एंड वी आर गोइंग टू द एब्सोल्यूट कोस्ट सिनकुम वगैरह, और वहां से वील गो ऊपर एंड हम सारे बीचेस होते रहेंगे एक्सेप्ट बागा। बागा कोई नहीं जा रहा दोबारा, इट सब वहाँ पे ड्रग्स वाले अंकल हैं सारे, तो पर उनको छोड़ के आ रहे हैं हम वहाँ पे। आवाज सुनो, अभी 4:30 बजने वाले हैं। हम लोग सनसेट देखने के मूड में आज, तो मासी ने बोला है क्वेरिन बीच करके है, वहाँ पे सनसेट बहुत सुंदर होता है। वो दोनों निकल चुके हैं, हम दोनों वी आर ऑफ टू नाउ क्वेरिन बीच। यहाँ से 1 घंटा या 1.5 घंटे का रास्ता है, होपफुली वी विल रीच ऑन टाइम एंड सनसेट ना मिस करना पड़े। वहाँ पे लोग नहीं होंगे, दिस इज लाइक टोटली नॉर्थ, आरंबोल के भी आगे जाके बहुत दूर है, पर मजा आएगा। चलो चले। फाइनली हम लोग टाइम पे पहुंच गए हैं, और 1.5 घंटा लग गया हमें पहुंचने में, एंड वी आर लिटरली इन लाइक द रिमोटेस्ट प्लेस ऑफ गोवा। दिस फील्स लाइक इट, पूरे खेत हैं इस तरफ, देयर इज माउंटेन्स ओवर देयर, एंड देन देयर इज दिस बीच। ओह गॉड, दिस लुक्स सो गुड। सो वी आर गोना चिल हियर फॉर अ व्हाइल। ओह भाई क्या व्यू है, रुको देखो। यहाँ पे हवा ने अपने लिए रिक्लाइनर बनाया सनसेट देखने के लिए। भगवान ने सामने टीवी लगा रखा है, बस बियर पकड़ा दो हाथ में। अब इससे ज्यादा डेड बॉड तो मैंने आज तक नहीं देखा। वो इट्स पिच ब्लैक राइट नाउ, लिटरली एक फ्लैश यूज करना पड़ता है ये बोलने के लिए। इफ आई रिमूव द फ्लैश, ये है, और इसमें हमें वापस वो गांव वाले रास्ते में जाना है। तो दिस इज गोना बी अ फन राइड। हमारे पास 2 स्कूटीज हैं, ऑल सेट फॉर अ 2 आवर राइड। और ये हवा के लिए हमने क्या चिकन कैफ्रियल पाव लिया है, मैंने सुना है बहुत बढ़िया है, तो मैंने सोचा इसको खिलाऊं, मैं तो खाता नहीं। चलो वाह बता कैसा है। आ बेटे खींच के बाइट मारा भाई, बहुत बढ़िया, खुशबू से लग रहा है। और वरुण खाएगा भाई? मैं वेज हूँ यार। वेज है, प्योर प्योर वेज, प्योरेस्ट 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 फ्रॉम अ वेजिटेरियन। ये मुर्गा देखते हैं उसको माला पहना देता है, पूजा करता है फिर उसकी। दिस इज फैसिनेटिंग। सो हम लोग डिनर के लिए यहाँ पे आए हैं। Oh, this pizza is fucking sexy. इसकी वाटर टेस्ट करो। ऑलिव ऑयल में खा ले। कैसा? It's nice, delicious. Delicious. मजा आ गया। कैसा? बेजल का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। I guess I'll put some. Sitting there was a crazy experience. This restaurant is like amazing, guys. After the experience, we're also having some normal food here. So let's. Pick and choose, और फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम क्या खा रहे हैं। दिस इज अ मॉम स्पेशल वेजिटेबल सैंडविच विद सैडो ब्रेड और मशरूम बर्गर, जिसके टमाटर बाहर आ गए हैं। ग्रीन लैंटर्न सैंडविच।
ओके ओके ओ भाई कितना हैवी है तो अब मस्त खाना वाना ठूस के हम लोग यहाँ पे क्या ये कहाँ गए हम पता नहीं यार क्या लिखा है क्या लिखा है सैटरडे निट्टी मार्केट नाइटी सैटरडे नाइटी बाजार अब आपको हम नाइटी दिलाएंगे यहाँ से पहन के दिखाएगा भाई इस पूरी मार्केट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज तेरे को क्या लगी वरुण के लिए स्टोन्स बट उसने लिए नहीं आई विश ही कुड बाय तेरे को वापस जाने का डिसीजन ओ भाई तेरे को भाई तू सब कुछ अच्छा लगा भाई भाई मेरे को सबसे बढ़िया लगा यहाँ पे टेका था चलो फिर वापस जाने का टाइम आ गया तो अभी हम लोग अरम्बोल बीच के साइड की मार्केट में वी आर गोइंग टू द अदर साइड ऑफ द बीच पूरा मार्केट घूम के वहाँ दिखाता हूँ कैसा है श्योर्स तो नहीं लगा था मैं जिंदगी में इस वाले बीच पे आ पाऊंगा दोबारा कभी बट आई एम हियर विद द बॉयज यहाँ पे बीच पे बॉनफायर लगी हुई है रैंडम आई डोंट नो व्हाई सो वी विल रिलैक्स चिल हियर एंड सी यू गाइस टुमारो पर गा के सुना दे मैं से याद नहीं यार बंदे मच्छियां पिंडा ने तेरी मारी साडे नन्ने ने भी कीती तैयारी लेट हो गया आज पता नहीं कहाँ जाना है किसे कहाँ जाना है तो पता नहीं क्या दिन रहेगा आज देखते हैं अभी ये लोग वरुण और सार से बाहर घूमने गए थोड़ा गिड़ी विड़ी मारने तो उसके बाद देखते हैं जनरल कंसेंसस क्या बन के निकलता है कि कहाँ जाना है किसे बट भाई यहाँ बाहर तो बड़ा सुंदर लगता है उठ के चलो तो थोड़ा फ्रेश फ्रेश होता है रेडी होता हूँ एंड देन सोचते हैं क्या करना है वाह उड़िया मौत में है ये तो मैं तो सोच रहा हूँ कि कर्ड राइस लिया जाए बाकी इन लोगों ने मसाला डोसा ऑर्डर किए हैं तो वो टेस्ट करने को मिलेगा सो दैट्स गुड बाकी देखते हैं और कुछ मन किया तो तेरे सर से बड़ा ग्लास है सो अभी हम लोग स्विम बीच पे बैठे हुए थे और मासी के साथ और मासी की प्यारी सी डॉग भी आई थी बट आई कुडंट व्लॉग दैट बिकॉज लाइटिंग वाज एब्सोल्युटली टेरेबल मतलब इससे भी बुरी बट बहुत सुंदर था एनीवे सो वहाँ से घूम फिर के नाउ वी आर ऑन टू मंदरम बीच सो ये मंदरम बीच की हमें ऑफिशियल एंट्री मिली जो लॉक्ड थी पर हाँ हवा खोल के घुस गया अंदर थोड़ा देख के चलना पड़ेगा क्योंकि हम टोटल अंधेरे में ये रास्ता है अभी रात को जंगलों के बीच में अरुण कह रहे हैं कि कोई मेरे साथ चलो प्लीज आगे पुल है लोहे का एक बढ़िया सा मस्त एकदम सेबेस्टियन गार्डन लग रहा been a very tiring day but a very rewarding one wow to hum ek rave party mein pahunch gaye somehow oh karun aa gaya rave party kaisi lagi bhai bahut hi maza aa gaya yaar kadi anyway pet khali ho gaya bhookh lag gayi uska so we are here at this restaurant it's called over the flames are varun ka reh gaya yaar kamar dard ho gayi bhai almost 1.5 ghanta scooty chalai hai one way usse pehle der subah se to bhai 3 ghante scooty chala liye bahut zyada ho gaya anyway I'll enjoy my food now see भाई वो रेस्टोरेंट एकदम समझ नहीं आया तो फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं स्पेशल सी फूड है तो सिर्फ हवा खाएगा
क्योंकि हम सब नहीं खाते। तो हवा ने 3 डिश ऑर्डर की और आंटी ने बोला कि हाँ 4 लोग खाने वाले खा लोगे, तो ये कहता है नहीं मेरा ये सारा। और आंटी भी हंस रही थी। लंडन की फुल दादागिरी चल रही है। किस बात पे भाई, ऐसी क्या बिगाड़ा है तेरा। एनीवे हम तीनों सोच रहे हैं कि घर जाएंगे, काउच पे लेटेंगे और जोमेटो मंगाएंगे दिल्ली वालों की तरह, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर गुड फॉर। इसकी शक्ल देखो भाई, एक दो बार और मैंने इसकी तरह घुमा दिया मेरा मुंह तोड़ देगा पक्का भाई। ये डेड है भाई, देख तो। चलो साइनिंग ऑफ, घर जाके तो मैं गुड नाइट बोलने फिर आऊंगा। भाई अपन से तो नहीं हो पा रहा, मैं तो डिनर के लिए यही खा रहा हूँ, कप्पा नूडल्स। ना हो पाएगा भाई, पानी उबल रहा है मेरा। हवा की जैकपॉट लग गया, हवा ने वहां पे ऐसा खुला ऑर्डर दिया और बिना प्राइस पूछा मस्त एकदम ऑर्डर करता गया। फिर हम वो एंड में आता है कि पैसे देना है भाई, 1500 रुपए का खाना अकेला खा रहे लौंडा। कितना सारा सैलेड है, नाइस बेटे। स्कूल का फुल लॉटरी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है वो भाई। वो क्या लग रहे हैं भाई, तो अनियन रिंग्स भाई, ये अनियन रिंग्स। अब आ रहा है स्क्विड, पॉम्फ्रेट और प्रॉन। ये ना हो पाएगा मैं सर। और वाह, दिल्ली वापस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं पता नहीं यार, टाइम खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए। गाइस सब्सक्राइब करो जिससे और पैसे आए और एक दिन और रुक सके। सब्सक्राइब भाई, मैं मोटा हो गया आके जिम जाऊंगा घर जाते ही रात के 2 बजे। अबे जिम के बीच पे चलते हैं। चलो ट्रिप यहीं खत्म होता है। आज आखिरी दिन है, हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं, सबकी पैकिंग हो गई है बस। और क्या, मैच देख रहे हैं अभी हम लोग। इसको मैं बहुत याद करूंगा। चलो